हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर आप मैक्रो को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैक्रो क्या है कि ये एक स्मॉल एंड कस्टम फंक्शन होता है जो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ऐड करते हैं। तो मैक्रो की जरूरत क्या क्यों पड़ती है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आप लारावेल के अंदर कुछ क्लासेस ऐसे हैं जैसे कि स्ट्रिंग है या एरे है, इन क्लासेस के साथ में आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ अपना एक कस्टम फंक्शन ऐड करूँ जो कि मुझे कहीं भी अवेलेबल हो सके, यानी कि अपने कंट्रोलर के अंदर या मॉडल के अंदर या फिर किसी इवेंट के अंदर आप ये चाहते हैं कि वो चीज़ मुझे वहाँ पर एक्सेसिबल हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पे लिखा हुआ है कि लारावेल मैक्रोज अलाउ यू टू ऐड कस्टम फंक्शनैलिटी टू इंटरनल लारावेल कंपोनेंट्स। तो लारावेल के अंदर कुछ हम अपना खुद का एक कॉम्पोनेंट ऐड कर सकते हैं जो कि लारावेल की फंक्शनैलिटी के साथ ही रहेगा, जो कि अवेलेबल होगा आपको पूरे लारावेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्रोज प्रोवाइड अ वे टू ऐड फंक्शनैलिटी टू द क्लासेस इन विच यू डू नॉट हैव दैट फंक्शन। तो आप ये चाहते हैं कि किसी क्लास के अंदर आप ये चाहते हैं कि उसके अंदर वो फंक्शन नहीं है जो मुझे चाहिए या जो मुझे रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ स्मॉल रियूजेबल कॉम्पोनेंट दैट विल बी पॉसिबल टू यूज इट एनी वेयर इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे कि यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मैक्रो क्रिएट किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ में। तो जो हमारा लारावेल हमें str प्रोवाइड करता है यानी कि स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए, तो वहाँ पर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास कुछ एरे हैं जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, उसके साथ में मैं स्लग तैयार करना चाहता हूँ, यानी कि जो एक url के अंदर जो हम स्लग पास करते हैं वो मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि एक एरे के अंदर पास किया हुआ कि पोस्ट का जो भी टाइटल होगा और साथ में जो डेट होगी या क्रिएटेड एट हो या अपडेटेड एट हो जो भी हो, और उसके बाद ऑथर का नाम वहाँ पर हमें विजिबल होना चाहिए। तो आप एक एरे के अंदर आपने ये सब चीज़ें स्टोर की हुई है और ये चीज फिर आप पास करते हैं कहाँ पर, कि str के साथ में, जहां पर लिखा हुआ कि भाई एरे टू स्ट्रिंग एक जो है फंक्शन है जिसके अंदर आप ये पास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ लारावेल एलियास के साथ में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लारावेल न्यू और लारावेल मैक्रो करके, ठीक है। ये हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि cd और उस प्रोजेक्ट का नाम जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वहां पर चलना है, और वहां पर मैं php आर्टिजन सर्व कर देता हूँ। इसको हम अपने सबलाइम के अंदर ओपन कर लेते हैं जो अभी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए मैंने सबलाइम के अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको जाना है ऐप फोल्डर के अंदर और वहाँ पर आपको ओपन करना है आपकी ऐप सर्विस प्रोवाइडर करके, ठीक है। यहाँ पर आपको दो फंक्शन मिलेंगे, एक तो है रजिस्टर फंक्शन और एक बूट मैथड। तो यहाँ पर जो हमारा रजिस्टर फंक्शन है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ लारावेल के स्टार्ट होने से पहले यदि आप उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते तो आप रजिस्टर में डालेंगे। अदरवाइज यदि आप ये चाहते हैं कि लारावेल का जब ऑब्जेक्ट सभी फंक्शनैलिटी का आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है उसके बाद आप उसमें कुछ फंक्शंस ऐड करना चाहते हैं जैसा कि हम इस केस में करना चाहते हैं, तो उसको आपको बूट मेथड के अंदर रखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें str क्लास मिल जाएगी क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट बन चुका होगा और यहाँ पर हमें मैक्रो ऐड करना है। तो str जो हमारी क्लास है उसको यूज़ करने से पहले हमें उसे टॉप पर इम्पोर्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ जो कि इल्यूमिनेट सपोर्ट और str क्लास जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपको मैक्रो यहाँ पर जो आपका मेथड है वहाँ पर आपको पास करना है अपने फंक्शन का नाम जो कि है एरे टू स्ट्रिंग करके, और यहाँ पर आपको फंक्शन जो है एक जो है पास कर देना है, और फिर यहाँ पर आपको जो भी उस पर वर्क करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इसको सबसे पहले मैं एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो हमें PHP का जो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है इम्प्लोड करके, है ना, उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। जो भी हमारे एरे के जो वैल्यूज़ हैं उसको आप एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो स्पेस के साथ में, और यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं कि स्लग क्रिएट कर लेते हैं। तो स्लग के लिए हम जो है str का ही जो इनबिल्ट फंक्शन है स्लग उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा हुआ है str स्लग और फिर स्ट्रिंग को मैंने पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको str जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने क्या किया कि इसको स्टोर कर लिया है, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ से जो भी हमारा स्लग होता है, और यहाँ पर आप एरे जो है वहाँ पर आप इसको टाइप हिंट भी दे सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या है कि एरे टाइप का है जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें यूज़ करना है, हमारा मैक्रो तैयार हो चुका है, अब हमें इसे यूज़ करना है अपने राउट के अंदर। मान लीजिए हम इसको यहीं पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा कि इम्पोर्ट करना रहेगा जिस क्लास को आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मुझे str क्लास को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ कि इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि एक एरे क्रिएट करना रहेगा जिसके अंदर हमें वो सभी डिटेल पास करनी रहेगी जिन डिटेल के बिहा पर हम लोग क्या करना चाहते हैं कि एक स्लग क्रिएट करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2022 और फिर मंथ का नाम, जो भी आप यहाँ पे मंथ पास करना चाहते हैं उसके बाद आप यहाँ पर डेट डाल सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर डेट डालना चाहें, और यहाँ पर फिर आप ऑथर का नाम पास कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑथर का नाम पास कर दिया है और अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। अब हमें str जो हमारा जो हमारी क्लास है उसके साथ में हमें यूज करना रहेगा, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि स्लग और str और यहाँ पे मेथड का नाम, जो हमने मेथड अभी क्रिएट किया हुआ है जो कि है एड टू स्लग करके, तो ये सेम मेथड जो यहाँ पर नाम है इसका, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि उसमें कोई भी टाइपो वगैरह ना रह जाए, और यहाँ पर एरे आपको पास कर दे, और यहाँ पे मैं डीडी कर देता हूँ स्लग को, जो भी हमारा स्लग वहाँ से रिटर्न होगा उसको मैं यहाँ पे डीडी करके देता हूँ ब्राउजर पर, और यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बोला कि सिंटैक्स एरर है, कहीं पे आप इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पर देखिए रिटर्न के टाइम पर, तो हमें वापस से चलना रहेगा अपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, और यहाँ पर हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं, और यहाँ पर आप देखिए पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे ईयर आ रहा है, मंथ आ रहा है, और यहाँ पे 23 यानी कि डेट आ रही है, और यहाँ पे ऑथर का नाम, जो भी ऑथर होगा। तो आपका बिल्कुल स्लग तैयार है जैसा कि आप चाहते थे एक एरे के बिहा पे, यानी कि आप यहाँ पर एक एरे पास कर रहे हैं और फिर उसको आप यहाँ पे क्या करें कि मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। अब ये जो str और एरे टू स्लग है ये आपको एक्सेसिबल है आपके कंट्रोलर के अंदर, मॉडल के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी आप str फंक्शन को आप जब कॉल करेंगे क्लास को वहाँ पर। यहाँ पर देखिए जो हमारी str क्लास है उसके अंदर मैक्रोएबल करके एक जो ट्रेट है ये हमें क्या कर रहा है कि मैक्रो क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो यदि मैं इसे मैक्रोबेल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैक्रो नाम का, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि रजिस्टर अ कस्टम मैक्रो, यानी कि यदि आपको कोई एक कस्टम मैक्रो रजिस्टर करना तो ये फंक्शन आपको हेल्प करता है। यहाँ पर नेम एंड मैक्रो करके पास हुआ है, नेम के अंदर जो आपका मेथड का नाम है वो, और मैक्रो के अंदर आपका जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, यानी कि जो मेथड की डेफिनेशन है वो चीज़। यहाँ पर आप देखिए कुछ उसकी इंटरनली फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये कैसे क्रिएट कर रहा है जो हमारा मैक्रो है, और किस तरीके से वो इंटरनली यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर str के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे str की जो भी डिटेल्स हैं, यानी कि स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी मैनिपुलेशन वगैरह क्लास है उसके अंदर वो सभी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं str की जगह मैं यहाँ पे एरे यूज़ करना चाहता हूँ, यानी कि जो लारावेल का जो एरे है उसको, तो arr ऐसे करके एरे करके है, यानी कि जो भी एरे पे मैनिपुलेशन होती है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी मैक्रोबल यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेम चीज़ यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर आप इसको स्ट्रिंग की जगह आप यहाँ पे एरे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एरे की चीज़ है तो आप उसको एरे में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एरे डालना रहेगा, और फिर आपको web.php में जा करके यहाँ पे देखिए str हमने ऊपर यूज़ किया हुआ था इसलिए हमें उसे हटाना नहीं रहेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग का ही स्लग है, और यहाँ पर str की जगह पे हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, एरे करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे arr कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एरे टू स्ट्रिंग सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, सिर्फ हमने क्लास का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि हम उसको चाहते हैं कि अब वो एरे क्लास के साथ में रहे, स्ट्रिंग के साथ में नहीं रहे। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट टाइटल और यहाँ पे जो उसके चीज़ें हैं वो सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो लारावेल का जो मैक्रोबेल है वो क्या है कि इन सभी क्लासेस के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो हमारा मैक्रोबेल है वो हमने अभी स्ट्रिंग के साथ में भी यूज़ किया, फिर हमने एरे के साथ में भी यूज़ किया। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिनके साथ में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप रिक्वेस्ट के लिए आप एक मैक्रो बना सकते हो, रिस्पॉन्स के लिए कर सकते हो, कलेक्शन है, str के लिए हमने देख ही लिया है, राउटर है, और कैश है, फाइल सिस्टम है, रूल है, इन सभी के लिए आप अपना क्या कर सकते हैं कि कस्टम मैक्रो क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी फंक्शन आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।